हाय फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं वेल ऑफ इनर डायमीटर फोर्टीन मीटर इज डग टू ऑफ ट मीटर अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवेंचुअली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अद ऑफ सेवन मीटर फॉर्म एन इम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट सो फॉर्म्ड ठीक है तो देखो क्वेश्चन समझो यह मान लेते हैं कि यह क्या है वेल well है ठीक है क्या है वेल well है कुआं है जिसके इंटरनल डायमीटर जो है कितना है इंटरनल डायमीटर जो है फोर्टीन मीटर है ठीक है अब क्या और इसकी जो डेफ्थ है ये जो वेल well की जो डेफ्थ है देखो डेफ्थ डेफ्थ ऑफ वेल डेफ्थ ऑफ वेल कितना है ट्वेल्व मीटर है ठीक है ट्वेल्व मीटर है अब क्या किया जा रहा है कि जो वेल well है इसकी खुदाई की जा रही कहाँ तक ट्वेल्व मीटर डेफ्थ तक और उससे जो भी मिट्टी निकल रहा है उस मिट्टी को जो है इस वेल के अराउंड जो होता है इवेंचुअली जो है यूनिफॉर्मली सभी जगह का होता है वह स्प्रेड कर दिया जा रहा है किस लिए यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाने के लिए चबूतरा बनाने के लिए और इसकी जो विध होगी डैट मीन्स ये चबूतरे की जो विध होगी वह कितना होगा यह आपका होगा सेवन मीटर होगा सभी तरह से सेवन मीटर होगा ठीक है तो देखो तो पूछ रहा है कि जो भी आपने इसमें से मिट्टी निकाले हो और उस मिट्टी का यूज जो है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए किए हो तो बताओ एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी तो यहाँ सुनो एक बात समझो कि इसमें से जो जो भी आपने इस जो भी वेल की खुदाई हुई है उससे जो भी मिट्टी निकला हुआ है टोटल के टोटल मिट्टी हमने क्या किया है इसके अराउंड जो है एम्बैंकमेंट बनाया डैट मीन चबूतरा बनाने के लिए यूज किया है कहीं अलग से इसमें मिट्टी ना ऐड किया ना कहीं कम हुआ मतलब जितना मिट्टी इससे निकला है उतना हमने यहाँ पे यूज कर दिया है और चारों सभी जगह से उसकी विथ जो है सेवन मीटर किया है ठीक है तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है तो देखो एक बात समझो तो वेल की जितना वॉल्यूम होगा उतना ही जो वॉल्यूम जो है होगा उस मिट्टी का भी वॉल्यूम होगा जितना मिट्टी निकला होगा क्योंकि मिट्टी जो है आपका वेल से ही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है इक्वल होगा किसना वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ठीक है एक बात समझो यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ आपका इन जो वेल का जो अंदर का जो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेल जो है वह इक्वल किसके होगा वॉल्यूम ऑफ जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट डग आउट मतलब जो है जो वेल का वॉल्यूम होगा वही जो वॉल्यूम होगा मिट्टी का जो मिट्टी का होगा जो मिट्टी उस वेल से निकाला गया क्योंकि उसी वेल से निकाला गया तो आपका वेल की शेप का सिलेंडर सेप का दैट मीन अर्थ को अर्थ की जो भी मिट्टी है मिट्टी के वॉल्यूम निकालने के लिए हम किस या यूज करेंगे वेल का वॉल्यूम वॉल्यूम का यूज करेंगे ठीक है तो एक बात बताओ तो इससे जो मिट्टी वेल से मिट्टी निकाला गया है तो जो भी वेल का वॉल्यूम होगा वही मिट्टी का वॉल्यूम होगा ठीक है और इस मिट्टी का टोटली जो था कहाँ पर यूज किया गया इस एम्बैंकमेंट के बनाने के लिए इसका मतलब जो है जो भी अर्थ की जो भी अर्थ मिट्टी बाहर निकाली गई उसकी जो भी वॉल्यूम होगा वही जो है इस एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम होगा ठीक है होगा कि नहीं होगा क्योंकि उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया है एम्बैंकमेंट बनाया ठीक है तो देखो तो आपका होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो भी एम्बैंकमेंट जो वॉल्यूम है एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ अर्थ डग आउट डग आउट ठीक है तो देखो इन का वॉल्यूम क्या हो गया तो यहाँ देखो समझो रेड पेन तो नहीं रहा है चलो इसी पेंसिल से यूज कर देते हैं ठीक है मान लेते हैं देखो यहाँ पे यह आपका टोटल जो है ये टोटल जो है आपका क्या दिया है यह आपका वेल का डायमीटर दिया है तो इसका रेडियस कितना होगा तो हम जानते हैं डाय रेडियस इजकल टू क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है तो डी कितना दिया आपका फोर्टीन मीटर दिया तो फोर्टीन का हाफ कितना होगा सेवन मीटर होगा ठीक है तो सेवन मीटर हो गया दैट मीन्स होता है यह आपका सेवन मीटर हो गया ठीक है और ये आपका कितना हो गया तो देखो सेवन मीटर यह और ये आपका कितना हो गया फोर्टीन मीटर हो गया क्योंकि सेवन मीटर रेडियस यहाँ से सेवन और यहाँ से सेवन मतलब फोर्टीन मीटर हो गया तो अब देखो हमको वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट निकालना है मतलब जो भी इम्बैंकमेंट है जो भी आपका चबूतरा है उसका वॉल्यूम निकालना है तो देखो तो हमारा चबूतरा कौन सा है यही ना चबूतरा है इसी के यही चबूतरा है ना ये आपका है चबूतरा है यही आपका है तो इसके वॉल्यूम कैसे निकालोगे तो इसके वॉल्यूम वॉलूम इस देखो ये टोटल इस 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 डायमेंशन के मतलब इस सर्कुलर रीजन जो भी है इसका इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो वॉल्यूम होगा उसमें से इस सिलेंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम को सप्टेट कर दोगे तो क्या केवल आपका यही बचेगा इसी का आपका इम्बैंकमेंट वॉल्यूम निकल जाएगा तो देखो तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये वाला जो रेडियस जो है इसे मान लेते हैं आर वन मान लेते हैं ठीक है ठीके? और इसे आर टू मान लेते हैं ठीक है ठीके? तो देखो आपका आर वन जो है आर वन क्या है यह एक्सटर्नल है एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस है एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस ऑफ एम बैंकमेंट एम बैंकमेंट ठीक है आर टू क्या है ये जो आपका इंटरनल इंटरनल रेडियस ऑफ जो है इमेंट या जो है या इम का इंटरनल रेडियस या जो है रेडियस किसका है रेडियस ऑफ इनर वॉल इनर वॉल का भी रेडियस वेल well का इनर वेल well का भी रेडियस यही होगा आर टू होगा ठीक है तो यहां देखो तो वॉल्यूम ऑफ इमबैंकमेंट का फॉर्मूला क्या होगा सबसे पहले आप पाई आर आर वन स्क्वायर एच एच देखो एच को मान लेते हैं कि एच जो है कैपिटल एच जो है यह आपका क्या है हाइट ऑफ इमेंट है im, im है, ठीक है और स्मॉल एच जो है यह मान लेते हैं ठीक है, depth of, depth of well है, well है तो यहाँ देखो तो पाई स्क्वायर एच तो आपका एच होगा क्योंकि देखो यहां पे जो हाइट होगा यहाँ पे भी वही हाइट होगा सेम होगा क्योंकि प्लेन बन रहा है कोई कर्व थोड़े बन रहा है कि कहीं यहाँ पर कहीं हाइट कम होगा कहीं ज्यादा होगा सब जगह सेम है ठीक है उसके बाद यहां तक तो हम वैल्यू निकाल लिया अब यहां तक मतलब इस रीजन को हटाना है इस रीजन को अंदर वेल वाला रीजन को हटाना है तो उसका फूल क्या होगा पाई आर टू आर टू स्क्वायर एच होगा ठीक है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो भी उससे निकाला गया उसका मिट्टी का वॉल्यूम जो है इक्वल किसके होगा वेल का वॉल्यूम तो वेल का वॉल्यूम वही होगा आपका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर आर टू स्क्वायर एच एच स्मॉल स्मॉल ऑफ या वेल का बता रहे हैं जो देखो जो मिट्टी जो निकाला गया उसकी मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा किसके इक्वल होगा वह आपका वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा ठीक है तो पाई तो इसमें से देखो पाई और एच कॉमन है दोनों में पाई और एच है इसमें भी पाई एच है सेम सेम तो पाई और एच को बाहर करो उसके बाद इस यहाँ पे क्या हो गया आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इक्वल टू इसमें पाई उसके बाद आर टू स्क्वायर एच हो गया ठीक है तो पाई देखो यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई कैंसिल हो जाएगा तो पाई पाई कैंसिल आपका एच और ये कैपिटल एच है स्मॉल एच है, है, है कैंसिल के नहीं हुआ क्योंकि ये हाइट जो है एम्बैंकमेंट का यह हाइट जो होता है वेल की डेफ है ठीक है तो इस एच को रखते हैं तो आर वन का स्क्वायर कितना है आर वन जोता है आर वन आपका कितना का स्क्वल है फोर्टीन के स्क्वल है देखो आर वन जो है फोर्टीन के इक्वल है आर टू जो, जो है आपका सेवन के इक्वल है ठीक है आर टू जो आर वन जो है फोर्टीन के इक्वल है और आर टू सेवन का डेट मीन्स फोर्टीन का स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर इक्वल टू आर टू कितना है सेवन सेवन का स्क्वायर इन टू एच वन वेल का हाइट वेल का डेप्थ कितना है डेप्थ जो है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ एच हो गया फोर्टीन का टू टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना होगा वन नाइन्टी सिक्स होगा सेवन का फोर्टी नाइन होगा ठीक है फोर्टीन का मल्टीप्लाई करो तो फोर्टीन का कितना हो रहा है वन नाइन्टी सिक्स आ रहा है तो वन नाइन्टी सिक्स में से आप फोर्टी नाइन को सप्रेट करो कितना होगा तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा फोर्टी नाइन होगा ए टू जो है ट्वेल्व होगा ठीक है तो ये आपका एच ए इन टू जो होता है, आपका वन नाइन्टी सिक्स में से फोर्टी नाइन जाएगा तो आपका वन फोर्टी सेवन होगा इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू टूवेल्व्स देखो एच इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू टवेल्व्स तो आपका इधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में क्योंकि हमको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए एच को अलग कर दिया और जो भी डाटा वाले जो भी टर्म है उसको अब इधर हम कर दिए एक साइड कर दिए ठीक है अब देखो इसको सेवन से सेवन टू ज़ा फोर्टीन सेवन वन जा सेवन और सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन हो गया सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन थ्री जा थ्री होता है ट्वेंटी वन थ्री फोर जा टू कितना हो गया फोर मीटर हो गया तो यह क्या हो गया तो आपका हाइट 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 ऑफ इम बैंकमेंट इम मेंट हाइट ऑफ बिंग बैंकमेंट कितना हो गया फोर मीटर हो गया ओके okay? तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों के थैंक यू फ्रेंड्स